मैं परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं एक शानदार यात्रा के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुगम और आसान यात्रा के लिए। विगत 50 वर्षों से जिस यात्रा को आपने प्रारंभ किया है, आज वह अपने साथ होली के पूर्व कुछ नई उपलब्धियों को जोड़ने जा रहा है। मैं इसके लिए पूरे परिवहन विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपने बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वर्णिम लोगो भी परिवहन विभाग ने अपना जारी किया है। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष देश की आजादी का, अमृत महोत्सव का पहला वर्ष है। यह देश आगामी 25 वर्षों की जिन यात्राओं को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, जिन संकल्पों, जिन जज्बों को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, उस प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपने 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा को सजोए हुए एक नई शानदार यात्रा के लिए आगे कार्य कर रहा है। परिवहन निगम के कार्यों को मुझे बचपन से देखने जानने का अवसर प्राप्त होता रहा है, लेकिन दो बड़े इवेंट जब हम लोगों ने देखे हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, 24 करोड़ श्रद्धालु उस कुंभ में 45 दिनों के आयोजन में सहभागी बने थे और 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा में परिवहन निगम ने उस समय एक अच्छी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके लिए हमें परिवहन निगम के बेड़े में 5,000 नई बसेस राज्य शासन की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध करवाए थे, जिनके बल पर 24 करोड़ लोगों की सुगम यात्रा को आसान बनाने के लिए, उन श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और आसान यात्रा के लिए परिवहन निगम के सभी कार्मिकों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। और दूसरा, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, हम सब जानते हैं ये महामारी पूरी दुनिया को पस्त कर दी थी। 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लागू हुआ, इस महामारी से बचाव के लिए तो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने गांव की ओर चल दिए थे। दिल्ली बॉर्डर पर, अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों की भीड़ लग गई, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। क्या होगा, एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ, यानी 25 को लॉकडाउन लगा और 27-28 में दृश्य सड़कों पर मंजर देखने को मिल रहा था। तब मैंने इमरजेंसी में परिवहन निगम की ही बैठक बुलाई थी और बैठक बुला करके मैंने कहा, भाई आपके पास कितनी बसें हैं? परिवहन निगम ने कहा कि हमारे पास 12,000 से 14,000 की बसेस का बेड़ा है, हमें सुविधा मिलेगी, हम तत्काल इस कार्यक्रम को अपने हाथों में ले सकते हैं। मैंने कहा फिर देर मत करो। और देखते ही देखते परिवहन निगम के चालक, परिचालक, परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण अगले